नमस्ते बच्चों, मैं शिल्पी दीदी जी सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का विषय आज पढ़ेंगे। भूगोल के पहले चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हूँ। भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल, पहला चैप्टर सौरमंडल। सौरमंडल में सबसे पहले हम जानेंगे कि सौरमंडल होता क्या है। इसका पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं ये जरा हम जान लें। आसमान में दिन या रात में तारे, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा ये सब दिखाई देते हैं। ये दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। इन्हें हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। दूरबीन की सहायता से कुछ देख भी लें लेकिन ऐसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। पूरे अंतरिक्ष और समस्त खगोलीय पिंडों को जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब आते हैं तारों पे। तारों की बारी आई, तारों का टिमटिमाना। तारे कैसे होते हैं आप तो देखे हैं आसमान में रात में, तो तारे और चंद्रमा यही तो दो चीज़ दिखाई देते ना हमें। तो तारों के लिए देखिए, रात्रि के समय ये दिखाई देते हैं। बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ही ये मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि हम जब भी तारे दिखाई देते हैं ना, कुछ जो चमकते हैं उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। और देखने से आसमान में लगता है जैसे झिलमिल झिलमिल हो रहा है, टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं। बहुत सारे साहित्यकार, रचनाकार, जो काव्यकार जो हैं वो बहुत सारे तारों पे टिप्पणी किया है, और बहुत सारी भाषाओं के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे पोएम भी लिखे हुए थे जो हम लोग छोटे में पढ़े थे। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें ज्वलित गैस भी होते हैं और छोटे छोटे इसलिए टिमटिमाते वस्तु दिखाई देते हैं आकाश में, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं तारों से। पृथ्वी से देखें तो बहुत दूरी है तारों की, तो इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। कुछ तारे सूर्य से 300 गुना बड़े अधिक आकार के होते हैं। ठीक है, सूर्य का आकार जो है वो मध्यम मीडियम साइज का होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आकार के बारे में, तो जान गए हम। अब आते हैं कि ये कितने गुने अधिक बड़े हैं पृथ्वी से। तो इसके व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। हमारा सूर्य तो हम बताएं कि मध्यम आकार का होता है, मगर ये 109 गुना अधिक इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास से। अब आते हैं कि ये छोटे आकार वाले तारे कितने किलोमीटर से मतलब दिखाई देते हैं, या क्या किस तरह से हम लोग जान पाएंगे। तो इसका अलग अलग आकार करके दिखाई देता है, कोई बड़े, कोई खूब चमकीले, कोई छोटे, ऐसे करके दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम तारों को देखते हैं बहुत ध्यान से। तारामंडल किसको कहते हैं, बहुत सारे तारे जब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, एक साथ झुंड में बना के जब दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तारामंडल में देखिए, इसका निश्चित रूप आकृति ये प्रदर्शित करते हैं। जब एक साथ झुंड में आएंगे ना, तो कुछ आकृति बनी हुई दिखाई देती है समूह में, उसी को हम लोग तारामंडल कहते हैं। अब उत्तर दिशा की तरफ जो दिशा बताता है, उसमें सात तारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, देखिए आपके किताब में दिखाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सातों तारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही सात तारों को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। ये तारा मंडल का ही एक रूप है जिसको सप्तर्षि मंडल के नाम से जानते हैं हम लोग। सप्तर्षि मंडल के बारे में जानेंगे। अब ध्रुव तारा भी इसमें एक होता है जो बहुत ही ज़्यादा चमकता है, शाइनिंग करता है नक्षत्र में, तो वही वो हमें दिशा की भी जानकारी देता है। ठीक है, इसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। अब आते हैं सौर्यमंडल क्या है। तारामंडल हो गया, सौर्यमंडल क्या है, सौर्यमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल का अर्थ जानिए। सौरमंडल का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित।
सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं और हमारी पृथ्वी पर एक ग्रह और प्रकाश सूर्य से जो प्राप्त होती है उसी को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सूर्य का परिवार यानी सूर्य का जितना परिवार है वही सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, एक इसकी परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं कि सौरमंडल उस मंडल का नाम है जिसमें सूर्य को केंद्रित करके और उसके परिवार को दर्शाया जाता है और जिसके चारों ओर आठ ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। नया छोटा सा एक चार्ट, उतना अच्छा तो नहीं हो पाया लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। सौरमंडल में केंद्र में कौन है? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हमने एक नाम भी बताया, इस तरह से दर्शाया है एम्बेम जेसन। ठीक है, फॉर मर्करी, ई फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। इस तरह से हमने आठों ग्रह को दर्शाने का कोशिश किया है। आकार के क्रम में ये लगाया है, बुध क्या करता है, शुक्र क्या करता है, पृथ्वी क्या करता है, यानी इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं के बारे में जाने। ये केंद्र में स्थित होता है, पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 लाख किलोमीटर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो ग्रह उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती है, उन्हें एक निश्चित आकार में निश्चित कक्ष में अपने चारों ओर घूमने में सहायता करती है। ठीक है, सूर्य के बाद आता है बुध। बुध के बारे में हम जाने, बुध सबसे छोटा ग्रह है, इन सारे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से ये बिल्कुल निकट है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे नहीं चंद्रमा है, नहीं पानी है, नहीं वायुमंडल है। सूर्य की ये परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लगते हैं। अब आते हैं शुक्र, शुक्र के बारे में जाने। शुक्र जो है सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो पृथ्वी के साइज के आकार के बराबर ही है। इसको जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसे सुबह में और सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को 255 दिन लगते हैं। मंगल की बारी आती है, पहले पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, एकदम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। ये आकार की दृष्टि से पांचवा है और दूरी की दृष्टि से ये तीसरा स्थान है इसका। ठीक है, इसको पृथ्वी का से अंतरिक्ष में तस्वीर लेना संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी सतह कैसी है। तो इसकी सतह चपटी है। पृथ्वी का आकार नारंगी के समान होता है, जैसा कि हम देखते हैं पृथ्वी गोल है। सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी कि जहाँ जीवन संभव है यहीं पे मनुष्य जी सकता है और किसी ग्रह पे मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और जल हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और जल की मात्रा 71% है, 71%। ठीक है, और वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं। अब आते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह पे क्या होता है, इसके बारे में भी जान लें। पृथ्वी के आकार का आधा हिस्सा होता है इसका, इसके आकार से इसका आधा हिस्सा होता है और इसका सतह लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से या मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आते बृहस्पति।
बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सारे ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा पृथ्वी। इसके चारों ओर हल्के वलय रिंग वाले रंग दिखाई देते हैं और इसमें 67 प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसीलिए ये छोटा सौरमंडल में छोटा दिखाई देता है। इसका सतह औसतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं शनि। शनि ग्रह, शनि एक अनूठा ग्रह है। इसके चमकीले छल्ले होते हैं जो बर्फीले कणों से बने होते हैं। देखिए ये छल्ले लगे हैं ना। बृहस्पति की अपेक्षा ये बहुत ठंडा होता है। इसमें 62 प्राकृतिक उपग्रह है। वाती है अरुण की बारी। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्सल 1781 में नासा के रिसर्च किया था, खोज किया था अरुण ग्रह को। और इसमें नासा के अनुसार इसमें 27 चंद्रमा हैं। सूर्य का परिक्रमा एक बार करने में अरुण ग्रह को 84 दिन लगता है। वरुण, वरुण ग्रह आकार और संरचना के दृष्टि से अरुण के समान ही है, दोनों एक समान हैं आकार में। दोनों ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। ये इसमें भी 13 चंद्रमा पाए जाते हैं। अब हमने आपको सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में बता दिया। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उपग्रह से संबंधित है, जिसको दूसरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।